इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स को लीग राउंड के दौरान दूसरी बार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी के लिए काफ़ी आलोचना हो रही है। धोनी ने 27 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उनके बल्ले से कोई भी बाउंड्री नहीं निकली और उन्होंने महज 18 रन बनाए। मैच के बाद धोनी ने अपनी इस धीमी पारी को डिफेंड करते हुए कहा कि पिच पर रन बनाना आसान नहीं था। धोनी ने मैच के बाद कहा, हम 150 के करीब पहुंचना चाहते थे। जब हमने शुरुआत में कुछ विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद 15वें 16वें ओवर में हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म था। हम रनों की रफ्तार को बढ़ा नहीं पाए। मुझे लगता है कि यह मुश्किल पिच थी। अगर हम 150 के करीब पहुंच पाते तो यह अच्छा स्कोर रहता। पिच एकदम से धीमी हो गई, बस आप अपने शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अम्बत्ती रायडू के नाबाद अर्धशतक की बदौलत 5 विकेट पर 136 रन बनाए और दिल्ली को 137 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली ने 19.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर ये लक्ष्य हासिल कर लिया और अंक तालिका में नंबर 1 पर आ गई।